हेलो दोस्तों, बात ये नहीं है कि अर्जुन कपूर को लेके सिंघम अगेन के फैंस सिर्फ टेंशन में हैं। आई मीन यहाँ पे ये भी दिख गया है, वो जब द लेडी किलर का ट्रेलर आने के बाद इवन अजय देवगन और अक्षय कुमार, इवन रोहित शेट्टी, ये जो तीनों अर्जुन कपूर को लेके स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई कुछ तो अलग होगा उसका रोल। चलो ठीक है, सब लोग अजय के और अक्षय के फैंस, इवन रोहित शेट्टी के फैंस, वो मान जरूर रहे हैं, उन पे भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी कल साबित हुई कि वो जो द लेडी किलर का जो ट्रेलर था ना, उसको कुछ भी व्यूज़ नहीं आए। मतलब वैसे देखा जाए तो जितने आने चाहिए, टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे वो आया था और लोगों का इतना कम इंटरेस्ट उसमें, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अर्जुन कपूर, क्या सिंघम अगेन के 12 तो नहीं बचाएगा? आई मीन सीरियसली, देखो भाई, कोई भी विलन हो, कोई भी विलन, आप कितने भी बड़े बड़े एक्टर रखो, अजय रखो, अक्षय रखो, कौन कौन नहीं है वहाँ पे, टाइगर श्रॉफ रखो, दीपिका, करीना, पर जब आपका विलन का अगर कुछ ज़्यादा हाइप नहीं होगा ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या रोहित शेट्टी के पास इतना, वो बोल रहे हैं कि मैं पैसा लगा रहा हूँ 300 करोड़, ये वो, क्या पैसा कम पड़ गया? क्या साउथ का कोई विलन नहीं ले सकते थे, इतना ही था तो? और कि इवन भाई बॉलीवुड का ही अगर आपको बॉबी देओल भी ले लेते ना, वो तगड़ा कर लेता भाई। आई मीन एज कम्पेयर टू, अगर आप अर्जुन कपूर ही बोल तो बॉबी देओल इज़ अ लीजेंड, नो डाउट। आई मीन एनिमल वाले अगर उसको लेते हैं, वो जो डायरेक्टर है एनिमल का, उसने तक बॉबी को प्रेफर किया, तो व्हाट अबाउट रोहित शेट्टी? आई मीन क्या जल्दबाजी थी? मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था भाई कि अर्जुन कपूर को लेने के लिए बोनी कपूर ने बहुत फोर्स किया था इस मूवी में, अब शायद यही प्रूव हो रहा है। एंड देयर इज़ एन सच में वो बोनी कपूर का ही प्लान है अर्जुन कपूर को इस मूवी में सेट करना। अब उसके लिए उसने मैदान रोक के रखी है, अब ऐसा लग रहा है मुझे। पर इट्स नॉट ओनली अजय देवगन, आई मीन ये मूवी है रोहित शेट्टी की, तो भाई ऐसा कैसे रोहित शेट्टी को उसने ब्लैकमेल करके रखा होगा ये नहीं पता भाई। एक आर्टिकल के अनुसार पहले अर्जुन कपूर का कोई जिक्र भी नहीं था इस फिल्म में, और जब लास्ट के एक महीना पहले अर्जुन कपूर को साइन किया ना इन लोगों ने कुछ, उससे 2 दिन पहले, मतलब 32 डेज पहले, तो अर्जुन कपूर का नामो निशान नहीं था इस मूवी में। और 2 दिन में ऐसा क्या हो गया भाई कि एकदम जल्दबाजी में एकदम उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अर्जुन कपूर इज़ अ रियल एंटागोनिस्ट इन सिंघम। अब रियल है तो है भाई, ऐसा नहीं कि मैं उसको ये नहीं कहूँगा, लेकिन कल जो ट्रेलर आया ना, एज एन एक्टर, इसको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस पर भरोसा ही नहीं करते। आपको क्यों पता है? 3 नवंबर को ये फिल्म आ रही है और इस बंदे का 3-4 दिन पहले ट्रेलर आया द लेडी किलर का, और वैसे लेडी किलर की अनाउंसमेंट 1-1.5 साल पहले हो चुकी है। उसको तो बहुत हाइप बनाई गई थी पहले उसकी, और हाइप थी तो अब तो भाई 3 दिन पहले ही ट्रेलर लाया, रीमेक है सुना है वो, तो क्वेश्चन मार्क के भाई उसके स्टारडम पे। अब उसका स्टारडम ही नहीं, अगर आपका मेन विलन एंटागोनिस्ट का कोई स्टारडम नहीं है, तो भाई बेटर है आप वो जैकी श्रॉफ को भी लेके आओ इस फिल्म में, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा विलन सूर्यवंशी में था, जो कि सिंघम से वही टक्कर लेने वाला है। हाँ मुझे पता है कि वो है, लेकिन अभी तक तो उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो भाई फैंस को सच में डर है कि कहीं इन लोगों ने स्टोरी के कुछ अदर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया और अर्जुन को मेन नहीं रख दिया। तो भाई डर तो बनता है ना भाई, है डर। और उस आदमी को लेके किसी को अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और कमेंट में भी वो द लेडी किलर के कमेंट्स में लोग ये लिख रहे हैं कि इज़ द मेन विलन इन सिंघम, लोग ट्रोल कर रहे कि भाई क्या सिंघम इसको धोएगा? डर है भाई, डर है। अर्जुन कपूर को स्टारडम बिल्कुल नहीं है, ये मूवी चलने वाली है सिर्फ और सिर्फ अजय और अक्षय और रणवीर सिंह पे और रोहित शेट्टी पे। पर ऐसे में अगर आपका विलन कमज़ोर होगा ना, आपके मान के चलो यार 60-70 करोड़ कम हो गए फिर, अगर यही अर्जुन कपूर से सच में आई होप कि अच्छा काम निकलवाए, तब जाके ये मूवी और ज़्यादा तगड़ा कमाएगी। मतलब देखो, मूवी ब्लॉकबस्टर तो नाम से ही बन जाएगी, बात वो नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना जैसे सिंघम रिटर्न्स सक्सेसफुल थी, लेकिन कौन उसको पूछता है ज़्यादा, सब यही बोलते हैं ना कि विलन अच्छे नहीं थे, सच में नहीं थे, एक विलन तो कॉमेडियन था। तो अब सिंघम अगेन बड़ी फ्रेंचाइजी, और थर्ड पार्ट है और बड़ी है, और इस बार सिंघम नॉर्मल गांव वालों को नहीं मार रहा है, वो टेररिस्ट स्क्वाड वगैरह उन लोगों को, मतलब स्क्वाड लेके जाएगा उनको पेलेगा, तो अर्जुन कपूर टक्कर का दिखे यार, बस बाकी क्या बोलूँ। आई होप सो, क्योंकि कल से तो वही अजय अक्षय के फैंस एकदम टेंशन में, स्पेशली अजय के फैंस, क्योंकि अक्षय का तो कैमियो है,
पर अजय के फैंस आ गए भी टेंशन में, तो टेंशन लेना बनता है यार, ले लो टेंशन, क्यों नहीं टेंशन नहीं लो, पर होप करो कि भाई रोहित शेट्टी अच्छा काम करवाएगा इस आदमी से, और अच्छा काम करवाने के बाद भी इस आदमी के पास जो स्टारडम जीरो है ना यार, वो तो बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो भी आता है इसको साला रोस्ट ही करता है, मैं देख रहा हूँ अभी। और उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था ना कि बॉलीवुड को क्या पब्लिक समझती है, हम है तो तुम हो, एक्चुअली तो पब्लिक है तो भाई बॉलीवुड ही समझते हैं, तो वो पब्लिक को चैलेंज दिया था ऐसा घटिया स्टेटमेंट लेने के बाद, जब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था तब से इसको और ज़्यादा गाली पड़ी थी, और वो एक विलन रिटर्न्स को तो इसने डुबा दिया, एक विलन रिटर्न्स इतनी बुरी नहीं थी भाई कि उसको डुबा दिया, मतलब उसको डुबा दिया गया भाई। तो भाई सिंघम भी वैसे बुरी नहीं है, लेकिन ये आदमी 300 करोड़ बजट के साथ लाया ला रहा है, तो आपको पता है ना कलेक्शन, जब 250-300 करोड़ आपकी बजट होती है तो आपको पता है ना कलेक्शन कितना होना चाहिए रहता है, सोचो यार, ये पता नहीं भाई। आई होप कि अर्जुन अच्छा करे कुछ।